देखो भाई धुआं जी, बहुत कुछ सिखाता, कुछ तीन लाइन ऑडियंस को भी सिखा दो। ये लोग घर जाएंगे, आप ससुराल जाओगे, ये लोग ससुराल जाएंगे। क्या मिल रहा है ये सर, क्या है ये छोले? अभी हमारी ट्रेन पास कर रही है। ये बाबा है, कहाँ जा रहे हो बाबा? बाकी वो देखिए एक पागल क्या कर रही है। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नई और डिफरेंट जर्नी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों पीछे अपनी ट्रेन आ गई है और बालों को आप इग्नोर करो क्योंकि मैं बहुत तेज घर से आया हूँ क्योंकि लेट हो गया था। अपनी ट्रेन अपने राइट टाइम पे कठुआ रेलवे स्टेशन पे आती हुई और जो इसके साथ लोकोमोटिव लगा है वो डीजल लोकोमोटिव लगा है, देख सकते हो। ये देखिए भाई, आ गई अपनी ट्रेन। और दोस्तों जो आज हम यात्रा करने वाले हैं वो कठुआ से लेके बठिंडा तक करने वाले हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर टू पंजाब ही समझ लो। और बठिंडा हम क्यों जा रहे हैं, एक स्पेशल ट्रेन को कवर करने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन समझते हो ना, उसका नाम इतना भयंकर है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप गैस कर सकते हो कि बठिंडा से ऐसी कौन सी ट्रेन जाती है जिसका नाम सबसे खतरनाक हो। तो खैर अपनी बातें छोड़ते हैं, दो मिनट का हॉल्ट है कठुआ रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का, तो जल्दी से अपने कोच में चलते हैं, उसके बाद यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे। कोच, और अभी मैं अपने कोच में आ चुका हूँ। सो बठिंडा तक हम यात्रा करने वाले हैं। अंदाज मेरे साथ जा रही है यही सीमू। हाँ तो ये भाई बोल रही थी कि थार डेजर्ट दिखाना, तो इसको भाई थार डेजर्ट दिखा देंगे। और एक और जर्नी है भाई, उस ट्रेन का नाम नहीं मैं बताऊँगा। बाकी देखिए आप डिपार्चर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में जो पुल बना है देखिए काफ़ी मस्त व्यू लग रहा है भाई देखो। और अभी हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं भाई पंजाब में। इस रूट को मैंने बहुत बार कवर कर लिया है, मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस होंगी ना ऑलमोस्ट इसी रूट पे होंगी, क्योंकि भाई जहाँ पे बंदे का घर होता है ना वहाँ पर लगाव ज़्यादा होता है, इंडियन रेलवे से हो या भाई रूट से हो, ठीक है। बाकी वो देखिए एक पागल क्या कर रही है, ए पीछे भाई, ये रियल फैन, ये नई रियल फैन है। क्या खतरनाक व्यू लग रहा है यार। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 9:47 और कठुआ से लगभग 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पंजाब के पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों जो अपना पठानकोट है यहाँ पे बेस कैंप है एयरफोर्स का और मिलिट्री कंटोनमेंट है ये पूरा पठानकोट, और यहाँ पे दो रेलवे स्टेशन है पठानकोट जंक्शन और पठानकोट कैंट। लेकिन जो हमारी आज की अहमदाबाद एक्सप्रेस है ये दोनों रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तो इसलिए हम जो पठानकोट कंटोनमेंट है उसको स्किप करने वाले हैं। पठानकोट पे इस ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है। देखिए जो इसका इंजन है वो यहाँ से खुल के अब दूसरी साइड लगेगा, इस साइड लगेगा देखिए, क्योंकि जो आगे लाइन जाती है ये दूसरी लाइन है, कौन सी पता है, टॉय ट्रेन वाली। अगर आप ज्वालामुखी कांगड़ा नगरोटा या इस लाइन पर जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर उतर के दूसरे रेलवे स्टेशन पर जा सकते हो जो कि बाहर है। बाकी देखिए अभी मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि भाई हमारी जो ट्रेन थी ना वो पठानकोट पे बहुत पहले पहुंच चुकी थी, 20 मिनट बिफोर पहुंच चुकी थी। तो मैं बाहर से कुछ फ्रूट वगैरह ले लेता हूँ क्योंकि भाई घर से जल्दबाजी में आया था, इसलिए आप मेरा हुलिया देख सकते हो कैसा बना हुआ है। तो भाई इतनी दूर चलने के बाद ये तो कौन मिली है भैया, संतरे देना, संतरे संतरे दो, एक किलो दे दो। देखिए क्या खतरनाक संतरे लग रहे, संतरे दे दो एक किलो भाई। ये संतरे जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना उतने ही महंगे हैं, 150 रुपये किलो इधर हैं, आपके वहाँ पे कितने हैं जरूर बताएं यार। और अपनी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया था एंड डिपार्ट कर रही है भाई पठानकोट।
जंक्शन से। ये बाबा है, कहाँ जा रहे हो बाबा, कहाँ जा रहे हो? जलंधर। पठानकोट से डिपार्चर वाले कितने रुपए के जी होंगे बता, फिर भी आईडिया से सोच रही है कितने होंगे। 150। अभी हमारी ट्रेन पास कर रही है, दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 11:23, यानी कि 11:23 हो रहे हैं और जम्मू तवी से लेके मुकेरियां तक हमारी ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया है 142 किलोमीटर का। और जो अपना मुकेरी है ना, ये पंजाब में पड़ता है, तो जो मुकेरी है ये हमारी ट्रेन का 8th हॉल्ट है, जिसका स्टेशन कोड है MEX और ये कोई भी जंक्शन नहीं है। बाय द वे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे दूँ, ये जो मुकेरी है ये जंक्शन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक नई लाइन निकल रही है जो कि दौलतपुर से जाके मिलेगी। दौलतपुर नंगल डैम वाली लाइन तो भाई आपको पता ही होगी, होशियारपुर वाली, तो उसी से ये मिलने वाला है। तो दोस्तों जम्मू तवी से लगभग 215 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने, अहमदाबाद एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 12th यानी कि 12वें हॉल्ट पे, जो अपना जलंधर सिटी। दोस्तों जो अपना जलंधर है ये जाना जाता है इंडस्ट्री है यहाँ पे स्पोर्ट्स की, जो कि इक्विपमेंट्स बनाती है काफ़ी, मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स बनाती है स्पोर्ट्स के, जो इक्विपमेंट्स ओलंपिक में यूज़ होते हैं। सोच लो भाई कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है यहाँ पे। और जो अपना जलंधर सिटी है यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ जलंधर में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक जलंधर सिटी है और एक जलंधर कैंट है। अभी कुछ हम खा लेते हैं यार, भूख लगी है? ये भाई खड़ी है पता नहीं क्या कर रही है, भूख नहीं लगी है? सो इसको भी भाई भूख लगी है, तो अभी कुछ खाने के लिए लाते हैं यार कुछ, मतलब टाइम भी काफ़ी, मतलब पहले पहुंचा दिया इसने यहाँ पे इसका टाइम था 1:10 पे और 15 पे इसने यहाँ से चलना था, लेकिन इसने 50 पे पहुंचा दिया। तो सोच लो भाई 20 मिनट हैं हमारे पास कुछ खाने के लिए, ला सकते हैं। यस ब्रो, और कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद। हाँ वीडियो देखता हूँ। थैंक यू ब्रो। सो ये अपने फैमिली के मेंबर मिले हैं, क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल भाई जी, एंड इन्होंने हमें पहचान लिया जलंधर में। कहाँ जा रहे हो आप? मैं नकोदर जा रहा हूँ। अच्छा नकोदर जा रहे हो, ये नकोदर जा रहे होंगे ट्रैवलिंग या काम है कोई? ऐसे ही अब मेला है ना 2 दिन वहाँ। अच्छा अच्छा, संडे का। किसका मेला है? लाडी शाह जी का मेला होता है। हाँ लाडी शाह जी का मेला होता है। अच्छा लाडी कोई गॉड है ये? लाडी शाह जी, हाँ पीर मैंने सुना उनका, नकोदर में भी है ना वो? नकोदर में ही है। हाँ तो नकोदर में जा रहे हैं, यही रूट पे जाएगी अब, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी हमारी ट्रेन। चलो कुछ खाते हैं भाई। नहीं नहीं बस। यहाँ पे क्या मिल रहा है ये सर, क्या है ये? छोले भटूरे। तो यहाँ पे हमें छोले भटूरे मिल रहे हैं, ट्राई करते हैं।
क्या दो देना दो भैया, दो प्लेट देना दो। या भाई हमने यहाँ से खाने का सामान ये दो प्लेट ये ले लिए, एक पानी बोतल ले लिया। पकड़ पकड़ बहुत गर्म है। हाँ ये आ गया इसका अपना खाना, छोले भटूरे गरम गरम लिए तो इसको खा लेते हैं यार। टेस्ट की बात करें तो भाई इतने भी मतलब ठीक ठाक हैं, अगर आप कंपेयर करते हो अंबाला से तो इतने अंबाला जैसे टेस्ट। हाँ भाई ये भी खा रही है, कैसा है? हाँ ओह अभी अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है भाई जलंधर से, और इसका स्टेशन कोड था JUC। बाकी मैंने बता दिया कि डाइवर्ट होनी थी अपनी ट्रेन यहाँ से, अब जाएगी लोहिया खास वाले रोड पे। एंड ये अपने भाई मिले हैं, एक और सब्सक्राइबर फैमिली के मेम्बर है। कहाँ जा रहे हो, गांव जा रहे हो? नहीं भाई लोग जा रहे हैं। हाँ तो ये भाई लोग हैं, एक यहाँ है, कर दो भाई हाय। वीडियो सही रहता है ना? क्या नाम क्या रहे हो? राहुल भाई। और आपका? मेरा नाम बबलू है दोस्त। तो ये भाई का नाम बबलू है, ये दोनों यहाँ पे मिल गए। ठीक है भाई चलते हैं यार, गाड़ी डिपार्ट करिए। ठीक है भाई जलंधर से डिपार्चर। बाकी दोस्तों अभी हम लोग कपूरथला और एक और रेलवे स्टेशन है उसको स्किप करने वाले हैं और सीधा आपको मिलते हैं लोहिया खास जंक्शन पे, जिस रूट पे हमारी ट्रेन जाएगी। क्योंकि यार इतने सारे हॉल्ट हैं, मैं आपको बता दूं कि इसके 45 हॉल्ट हैं जम्मू तवी से लेके अहमदाबाद के बीच में, तो इतने हॉल्ट को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वीडियो भी बहुत लंबी बन जाती है, तो आप देखते नहीं हो। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग नहीं देखते हैं इतनी लंबी वीडियो, तो हमें भी अपने हिसाब से चलना पड़ता है। तो सीधा अब आपको मिलते हैं, ठीक है, लोहिया खास जंक्शन पे। देखिए कपूरथला कोच फैक्ट्री, यहाँ पे इसका हॉल्ट नहीं था, कमर्शियल टेक्निकली हॉल्ट था। एंड ये सामने हमारा भारतीय रेल की सर्वोत्तम इकाई, यानी कि यहाँ पे रेल फैक्ट्री बनती है, रेल फैक्ट्री कपूरथला, जो आई थिंक मुझे मैंने पहली बार देखी, आपने भी पहली बार देखी होगी अगर आप पंजाब से नहीं हो तो। अगर आप पंजाब से हो तो भाई आपने तो बहुत बार देख ली होगी। बाकी देखिए कपूरथला रेल फैक्ट्री से डिपार्चर। सो दोस्तों जम्मू तवी से लगभग 266 किलोमीटर का हमारी इस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया और पहुंच चुकी है लोहिया खास जंक्शन। दोस्तों जो लोहिया खास जंक्शन है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन जो जहां के लोग हैं उनके लिए भाई ये अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है। बाकी देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे पेड़ पौधे आपको नेचुरल हरियाली मिलेगी। बाकी तीन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और 2 मिनट रुकेगी हमारी ट्रेन लोहिया खास जंक्शन पे। जंक्शन दोस्तों इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी नकोदर को जाती है, जो कि आगे जाके लुधियाना और जलंधर से मिल जाती है, और एक लाइन जाएगी अभी फिरोजपुर मक्खू फिरोजपुर वाले रूट पे। बाकी देखिए काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का, ये भाई लोग भी कर रहे हैं। भाई कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हो आप? हाँ सरयू यमुना, यहाँ पे रुकती है वो? तो ये भाई लोग भाई गंगा सतलुज ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जो कि फिरोजपुर से चलकर धनबाद को जाती है। हाँ तो इसी में जा रहे हैं सारे, घर जा रहे हैं ना भाई लोग, सारे उधर जा रहे हैं। बाकी यही अपने लोहिया खास। हाँ ये लोग घर जाएंगे, आप ससुराल जाओगे? ये लोग ससुराल जाएंगे और वो घर जाएंगे। बाकी दोस्तों लोहिया खास एक विलेज है जो कि डिस्ट्रिक्ट जलंधर में पड़ता है। एंड देखते हैं, अब डिपार्चर विसल भी दे दिया हमारे गार्ड साहब ने, पूरा डिपार्चर दिखाते हैं आपको। एंड ये भाई लोग भी अपने दोस्त बन गए ट्रेन में, ये जाएंगे अगले स्टॉप पे, है ना मक्खू। मक्खू किस लिए फेमस है? किस्सा भाजी सुल्तानपुर लोधी का किस्सा, इतने गुरु नानक देव ने 13-13 तोलिया सी, 13 तोलिया सी, 13-13 तोलिया सी, इन्हां दे हले वी वट्टे पे 13-13 तोलन वाले, 13-13 मतलब की तोलिया सी इन्हां ने, मान के चलो जिवें वो तोलदे सी गेहूं, तोलदे कुछ भी तोलदे सी, जिवें लोकी कहंदे मेरा कहंदे सब 13-13। अच्छा गुरु नानक देव जी वो वही है ना जो पाकिस्तान में खेती करते थे? बिल्कुल पाकिस्तान में खेती, डेरा बाबा नानक, उन्होंने डेरा लगाया था और यहां पे जन्मदिन सी। हां
नहीं नहीं जन्मदिन कहीं और सा, हो और था उसका डेरा बाबा ननकाना सी जाना सी हाँ, और खेती वो उधर करते थे करतारपुर साहब मैं गया हुआ उत्थे एंड देखिए भाई काफ़ी ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है अपना लोहिया खास ब्यास दरिया दरिया जी बहुत कुछ सिखाता कुछ तीन लाइन ऑडियंस को भी सिखाता शेर एक शेर एक एक शेर एक शेर भाजी नहीं सुना तो सी तो भाई भाजी ने बहुत कुछ हाँ नहीं नहीं बस बस वीरे बस वीरे फिर मिलांगे जरूर मिलांगे ठीक है और ना आप आ रहे हैं यार और तुसी जाओ समझे करो यार जाओ जाओ भाई बहुत मतलब अच्छे बंदे थे ये इन्होंने इतना कुछ सिखाया ना हमें नहीं नहीं फड़ तू ओ फड़ ला तू ओ फड़ ले मैं वीर जा ओ तू फड़ पैसे ले मैच की टॉप है बेची सारा कुछ अल्लाह साथ ओपा अरे रे ले जा यार ले सो भाई लगभग 300 किलोमीटर के आसपास समझे 5-6 किलोमीटर कम हो गया अभी और हम पहुंच चुके हैं मखू जिसका स्टेशन कोड है MXH और ये स्टेशन है ये हमारी ट्रेन का 17th स्टेशन है एंड भाई देखो भाई बहुत अच्छे थे मतलब इतनी सी जर्नी करी एंड ज़बरदस्ती मतलब पकड़ा गए कोई मतलब बहुत नॉलेज दिया इन्होंने एंड अब देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का मखू से इसके बाद हम एक दो स्टॉप है वो स्किप करने वाले हैं और सीधा मिलेंगे आपको फिरोजपुर अभी रे तुरते भी हो ओके वीरे ये भाई अपने बहुत बढ़िया सी भाई पता नहीं कहाँ चली गई थी ले खा ले ये देखो भाई ने क्या क्या दे दिए दिखाते हैं ये कुरकुरा फैक्ट्री थी भाई उनकी ये लेज ये बच्चों जैसे दे दिए लेज ये तो यही खाई है ले खा ले लेज ये भी लेज एंड ये कैंडीज हैं ये सब भाई ज़बरदस्ती पकड़ा गए उनकी पता है उनकी फैक्ट्री थी इनकी गंगा सतलुज देखिए धनबाद और फिरोजपुर के बीच में चलने वाली तो दोस्तों टाइम हो रहा है 3:54 यानी कि 3:54 और जम्मू तवी से लगभग 332 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर ली और पहुंच चुकी है फिरोजपुर कंटोनमेंट पे जी हाँ दोस्तों जो अपना फिरोजपुर कंटोनमेंट है काफ़ी बड़ा कंटोनमेंट है ये मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से कंटोनमेंट है ये फिरोजपुर कंटोनमेंट और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन के लोको रैक रिवर्सल हो जाएगी देखिए आगे से इंजन आ रहा है ये देखिए वो आगे से जो इंजन आ रहा है ना वो हमारी ट्रेन के साथ अभी यहाँ पे लगेगा इसलिए इसका 25 मिनट का हॉल्ट है एंड सारी की सारी ट्रेन रिवर्सल डायरेक्शन में चली जाएगी बाकी अभी तक हमारी जो ट्रेन है उसका 2 बार लोको मतलब रिवर्स हो चुका है एक बार हुआ था पठानकोट पे एंड दूसरी बार हो रहा है फिरोजपुर पे WDM3A का लोकोमोटिव लगने जा रहा है हमारी ट्रेन के साथ देखिए पूरी ट्रेन धकेलेगी भाई एंड यहाँ पे अभी कपलिंग होगी नींबू पानी देती बाकी दोस्तों देखिए हमारा जो लोकोमोटिव वो आगे लग चुका है और जो फिरोजपुर का स्टेशन कोड है FZR और रेलवे के हिसाब से देखें तो फिरोजपुर डिवीज़न काफ़ी बड़ी रेलवे डिवीज़न है जिसके अंडर श्रीनगर तक लाइन आती है ऊपर कांगड़ा वैली वाली लाइन भी आती है और काफ़ी बड़ी मतलब डिवीज़न है 6 यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और ये जंक्शन दोस्तों इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी सीधी चली जाएगी बठिंडा वाली और एक जाती है फाजिलका वाली और एक जाती है लुधियाना वाली पीछे से आपको पता ही है भाई जलंधर वाली लाइन आ रही है और एक जाती है यहाँ से अमृतसर वाली तो ये नींबू पानी लिया है मैंने ये सिर्फ नाम का ही नींबू पानी है 20 रुपये बर्बादी इससे अच्छा पानी पी लो ठीक है और
खानी पेटी कितने की है पेटी? डीएमयू के साथ रेस रखने वाली है। कतई जहर देखो भाई धुआं देखिए भाई पंजाब का इलाका पता की होया उन्हें इशारा मारिया नी मैं सोचा गलत इशारा मारिया उन्हें तो मैं सोचा फिर तो उन्हें मारिया हां जे तो बेशक मारिया भी हुंदा हां कुछ नहीं कहना मैं सोचा यार दो बंदे बह के एक बंदा इशारा मार गया ऐसा हो नहीं सकता वो पता नहीं किसी और नु मारिया होना है ना की होया मैं देखदा मुंडे नु ये उतर उतर के पानी चखदा पिया हर स्टेशन दे एक स्टेशन दे ठंडा पानी नहीं इनू एक स्टेशन दे ठंडा पानी नहीं मिले बड़ी तेज लगी छे बज रहे हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने 23rd स्टॉपेज जो है अपना हमारा बठिंडा और जो हमारी यात्रा थी ना वो भाई बठिंडा तक ही बाकी अब जो आपको यात्रा देखने को मिलेगी बहुत ही मतलब खतरनाक यात्रा देखने को मिलेगी। ट्रेन का नाम तो भाई आप सुन के सोच में पड़ जाओगे। ये सीमा ये फर्स्ट टाइम बठिंडा आई है क्या लग रहा है तेरे को? ठीक लग रहा है बहुत गंदा रूम हाँ बहुत डस्टी मजा नहीं आया? मजा तो आया लेकिन डस्टी बहुत थी। हाँ तो भाई अब हम खाना वाना खाएंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे वो ठीक है। इसके बाद हम खतरनाक वाली ट्रेन जाएंगे ठीक है। ये भी नहीं पता आएगी कौन सी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ठीक है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।